अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुरू आला के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज के लेक्चर में हम दुनिया के 7 ट्रेडिशनल कंटिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स और उनके डिफेंस पॉइंट को स्टडी करेंगे। और ये जो हाईएस्ट पीक्स है, ये 7 समिट कहलाता है। माउंटेनियर चैलेंज में ये या क्लाइंबिंग में ये एक चैलेंज समझा जाता है। तो इसमें हमारे पास है 7 कंटिनेंट्स और उसके हाईएस्ट पीक्स और उनके डिपेस्ट पॉइंट। तो चलो देखते हैं इनको वन बाय वन, स्टार्ट लेते हैं एशिया से। एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है पूरी वर्ल्ड की, ठीक है। और इसकी जो एरिया के लिहाज से भी लार्जेस्ट है और आबादी के लिहाज से भी लार्जेस्ट है। 60% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की एशिया में है। एशिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है, 8,848 मीटर है। ये 8,848 मीटर जो है ये हिमालयाज रेंज में पाया जाता है। हिमालयाज रेंज में पाया जाता है। और यहाँ पे दुनिया के वो पीक्स जिनकी हाइट 8,000 से ऊपर है, इनको कहते हैं 14,800। वो 14,800 के 14 जो हैं वो एशिया में है, कराकोरम और हिमालयस के रेंजेस में है। तो हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट और हिमालयाज रेंज में है। इसके बाद यहाँ का डिफेस्ट पॉइंट जो है वो डेड सी है। डेड सी जो कि जॉर्डन और इसराइल के बीच में पाया जाता है। डेड सी 406 मीटर बिलो द सी लेवल है, ये डिपेस्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास सेकंड हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है कोजी उसको है, ठीक है, कोसी उसको है। असल ये पढ़ा जाता है को जी उसको, ये इस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये इसकी स्पेलिंग है और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, को सी उसको, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसकी जो हाइट है वो 2,228 मीटर है, क्लियर। और इसका जो डिपेस्ट पॉइंट है, डिपेस्ट पॉइंट इसका लेक आयर है, ठीक है, लेक आयर इसका हाईएस्ट डिपेस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट जो है कोसी उसको है, 228 मीटर है। डिपेस्ट पॉइंट लेक आयर है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आबादी के लिहाज से छठे नंबर पर है और एरिया के लिहाज से आखिरी नंबर पर है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास है यूरोप। यूरोप के जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है जॉर्जिया, रशिया कैस्पियन सी के साथ, यहाँ पे माउंटेन भी है और यहाँ पे डिफेस्ट पॉइंट भी है। इसका डिफेस्ट पॉइंट यूरोप का जो है वो माउंट एल्ब्रस है। क्या नाम है, माउंट एल्ब्रस। और इसका हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट है वो 5,642 मीटर है। इसी के साथ आपने एक सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा लेक कैस्पियन लेक, जो किसी भी कहा जाता है, कैस्पियन सी भी कहा जाता है और कैस्पियन लेक भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड का। ये कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया में है। इसका जो वेस्टर्न साइड है वो यूरोप में है और ईस्टर्न साइड जो है वो एशिया में है। यानी इसके अराउंड जो कंट्रीज हैं यहाँ पे, ये कैस्पियन सी है, ये रशिया है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये कंट्रीज कैस्पियन सी के अराउंड है। जबकि इसका वेस्टर्न साइड जो है वो यूरोप में है और ये जो डिपेस्ट पॉइंट यहाँ का है वो कैस्पियन सी है। कैस्पियन जो है वो डिपेस्ट पॉइंट है यूरोप का। यूरोप का हाईएस्ट पीक जो है माउंट एल्ब्रस है और डिपेस्ट पॉइंट जो है वो कैस्पियन सी है।
हो गया यहाँ तक। अच्छा, काउकस माउंटेन का जो है ये रेंजेस में वाक़े है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास अफ्रीका है। अफ्रीका का जो हाइस्ट पॉइंट है वो कहलाता है किली मंजारो। किली मंजारो का जो हाइट है वो 5,895 मीटर है और ये पाया जाता है तेंजानिया में। ग्रेट इस्कार्पमेंट का ये हिस्सा है, हाईएस्ट पॉइंट तंजानिया में पाया जाता है, जो कि अफ्रीका का लॉन्गेस्ट रेंज भी है, क्लियर। और इसका डिपेस्ट पॉइंट जो है वो लेक आसाल है। तो अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट किलिमंजारो है और उसका डिपेस्ट पॉइंट जो है लेक आसाल है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, चलो चलते हैं एंटार्कटिका पर। एंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है वो विंसन है। विंसन की जो हाइट है वो 4,897 मीटर है और इसका जो डिपेस्ट पॉइंट है डीप लेक, ठीक है, डीप लेक उस स्टॉक के साथ एक लेक है वो डिपेस्ट पॉइंट एंटार्कटिका का समझा जाता है। दुनिया के सब फ्रोजन लेक जो हैं वो उस स्टॉक हैं वो भी एंटार्कटिका में पाया जाता है। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है विंसन है और डिपेस्ट पॉइंट जो है वो डीप लेक उसका नाम है। इसके बाद हम जाते हैं हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका पर। नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पॉइंट का नाम है वो लेक सॉरी माउंट दिनाली है। क्या नाम है? माउंट दिनाली या मैकेलनी, ठीक है ना, मेका नी। इसका जो हाइट है वो 6,194 मीटर है, 6,194 मीटर है, क्लियर। ये रॉकी माउंटेन अपेलेचन के साथ है, इसमें पाया जाता है, रॉकी एंड अपेलेचन, ठीक है। अपेलेचन जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हमारी अर्थ का, ठीक है। तो इसका इस पॉइंट जो है वो माउंट दिनाली है और इसका जो डिपेस्ट पॉइंट है वो है डेथ वैली। क्या नाम है? डेथ वैली। डेथ वैली जो है वो कैलिफोर्निया कहलाता है। ये सी लेवल से -86 मीटर है, यानी सी लेवल से ये 86 मीटर नीचे हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म तरीन मुकाम भी यही समझा जाता है। किसको? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ये डिपेस्ट पॉइंट और नॉर्थ अमेरिका है और साथ साथ में दुनिया का गर्म तरीन मुकाम भी है। -58 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद हमारे पास जो नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास माउंटेन का नाम है अकोन कागवा। अकोन कागवा की जो हाइट है वो 6,942 मीटर है। 6,942 मीटर इसकी हाइट है और इसकी डीपेस्ट पॉइंट जो है लेगोना लेक कार्बन है, ठीक है। ये इसकी लेक का नाम है जो इसका डिपेस्ट पॉइंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन मुसलसल ने देखा है, ये 7 ट्रेडिशनल कंटिनेंट्स हैं, इसके 7 हाइस्ट पीक्स हैं, इसको स्केल करना एक चैलेंज समझा जाता है और इसको कहते हैं 7 समिट। क्या कहते हैं? 7 समिट। सो द 7 हाइस्ट पीक्स ऑफ ऑल कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड 7 समिट। माउंटेन क्लाइंबिंग में ये एक चैलेंज समझा जाता है, माउंटेनियर चैलेंज समझा जाता है कि अगर कोई बंदा इन तमाम हाइस्ट पीक को स्केल करता है तो उसको एक रिवार्ड दिया जाता है। उस रिवार्ड का नाम है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम बेसिकली टेनिस टूर्नामेंट का एक प्राइज है, जैसे हमारे पास फुटबॉल का एक वर्ल्ड कप होता है या क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, तो उसकी जो प्राइज होती है वो वर्ल्ड कप होती है।
उसकी कुछ पैसे होते हैं, ठीक है, और कुछ सेलिब्रेशंस की कुछ वो होते हैं, प्रॉपर ट्रॉफीज़ होते हैं, उन ट्रॉफीज मतलब उनको डब्ड किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो बंदा सेवन समिट को स्केल करता है, साथ में एक दो चीज़ें और भी शामिल हैं कि अगर वो नॉर्थ पोल पर भी जाता है, साउथ पोल पर भी जाता है, नॉर्थ पोल पर भी जाता है, तो फिर उसको एक प्राइज दिया जाता है, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम की कीमत जो है वो $2.6 मिलियन है, ठीक है, तो ये उसको वो दी जाती है। तो ये पहला शख्स था, कौन, रिचर्ड बेस, जिसने 1985 में इन तमाम हाईएस्ट पीक्स को स्केल किया था, सेवन समिट को स्केल किया था, उसको ग्रैंड स्लैम मिला था। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन अक्सर आता है कि यहाँ पे माउंटेन और यहाँ पे माउंटेन, दो अलग अलग पीक्स हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड हम मानते हैं, ये इस बंदे की मानते हैं जिस बंदे ने इसको स्केल किया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पीक भी है, इसके बराबर एक पीक और भी है, लेकिन इस बंदे ने जिसको स्केल किया हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं और इसको हाईएस्ट पीक कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास एशिया में माउंट एवरेस्ट और अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में है जो है वो कोजी उसको, और एंटार्कटिका में जो है विंसन मोसाइफ, और जो हमारे पास उस वो है यूरोप है, यूरोप में जो है वो एल्ब्रेस, अफ्रीका में किलिमंजारो, और यहाँ पे दिनाली, और यहाँ पे अकोन कागवा। अब इन सब में हाईएस्ट पॉइंट्स तरतीब किसकी है, पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पर हमारे पास अकोन कागवा है नॉर्थ अमेरिका का, तीसरे नंबर पर हमारे साउथ अमेरिका है दिनाली है, तो इसी तरह फिर आप चौथे नंबर पर जो है इसको दिस रख सकते हो, और पांचवें नंबर पर इसको रख सकते हो, छठे नंबर पर इसको रख सकते हो, सातवें नंबर पर इसको रख सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और इसी तरह लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। कमेंट करें, इनबॉक्स करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, हम इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।